टेस्ट के जो अपने क्वेश्चन थे कल अपन ने कितने कर लिए थे 35 क्वेश्चन, 36 से आगे करेंगे। देखो बच्चों ये टॉपिक करने के लिए ना अपने को थोड़ा सा ना ये मैथ रीजनिंग छोड़कर ना अलग बातों का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो एनालॉजी टेस्ट है समान संबंध, तो इसमें क्या करना होता है कि चार में से ना कोई एक तो अलग है या फिर उससे संबंधित है प्रश्न से, तो वही अपने को फाइंड करना होता है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे साइंस, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, अदर थिंग्स का भी नॉलेज होना चाहिए ना, और इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी बच्चों अपने, ठीक है। तो अभी अपना देखो कल 35 तक हो गया था, अभी आज 36 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? 36 से। 36 नंबर का सवाल क्या है? देखो प्रदीप्त जिस तरह से जलने से संबंधित है उसी तरह से क्रोध संबंधित है। प्रदीप्त मतलब क्या होता है? प्रज्वलित करना, जलाना, क्या रहना, ठीक है। तो उस तरीके से क्रोध किससे संबंधित होगा? इसे चिढ़ाने से संबंधित होगा, इसे चिढ़ाने से, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया? चिढ़ाने से। एक नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे जिस तरह टेनिस का संबंध कोर्ट से है। कोर्ट क्या है? टेनिस देखो मतलब कोर्ट, जिस जगह पे खेलते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से मुक्केबाजी का संबंध किससे होता है? किससे होता है? रिंग से होता है, समझ गया। अखाड़ा क्या होता है? कुश्ती का अखाड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुक्केबाजी किससे संबंधित होगी? रिंग से संबंधित होगी। जिस प्रकार जूल का संबंध ऊर्जा से, मतलब जो जूल है ये इकाई है, किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। उसी प्रकार पास्कल का संबंध किससे होगा? दबाव से, ठीक है। मतलब किसी चीज का जो दबाव होता है ना वो पास्कल में नापा जाता है, किसमें? पास्कल में, मतलब वो इकाई बताई गई यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध रोगी से होता है, डॉक्टर का संबंध किससे होता है? रोगी से। जो रोगी होता है वो डॉक्टर के लिए कस्टमर होता है, क्या होता है? कस्टमर होता है। उसी प्रकार वकील यानी कि मैं, मेरे लिए, मुझसे कौन संबंध होगा? कौन? मुवक्किल। मुवक्किल होगा, क्या होगा? मुवक्किल मतलब होता है क्लाइंट। आपने कई बार पिक्चर में देखा होगा मेरे मुवक्किल ने ऐसा किया नहीं है, ठीक है। तो वकील का किससे संबंध होता है? मुवक्किल से होता है, ठीक है। जिस प्रकार 40 नंबर का क्वेश्चन, जिस प्रकार सेफ का संबंध रेस्टोरेंट से होता है, सेफ मतलब होता है कुक, बहुत है कुक, कहाँ पे सेफ मिलता है? रेस्टोरेंट में मिलता है, मतलब होटल में मिलता है। उसी प्रकार दवा बेचने वाला कहाँ पे होता है? औषधालय में, मेडिकल में होता है, कहाँ पे होता है? मेडिकल में। इसका आंसर क्या होगा? औषधालय से, ठीक है। जिस प्रकार ताल का संबंध संगीत से है, ताल का संबंध संगीत से है, उसी प्रकार डिजाइन का संबंध किससे होगा? भवन से होगा। कैसे बेटा? ताल क्या होता है पता है? ढोलक देखा, ढोलक तबला देखा है, जब हम लोग हाथों से उसको ठोकते हैं जो आवाज आती है वो क्या निकलती है? उसी प्रकार जब हम लोग घर बनाते हैं तो सबसे पहले इंजीनियर के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं? इंजीनियर क्या बनाते बेटा? डिजाइन, नक्शा बनाते रहते हैं, और नक्शे का जब प्रोडक्शन होता है तो क्या बनता है? फिर भवन बनता है, क्या बनता है? भवन बनता है। तो यहाँ पे जब ठोकते हैं तो ताल से आवाज निकलती है, ठीक है, क्या निकलती? आवाज, संगीत निकलती है। उसी प्रकार से डिजाइन से क्या बनता है? भवन बनता है, घर बनता है। जिस प्रकार गर्दन का संबंध टाई से है, गर्दन में क्या पहनते हैं? ठीक है। उसी प्रकार कमर का संबंध किससे होगा? उससे होगा, नहीं तो बोला घड़ी, हम तो इधर लटकाते घड़ी, कहते नहीं घड़ी, नहीं तो बोले कमीज भी तो सर पहनते, कमीज पहन के बोले इधर बांध देते है, क्या आएगा? बेल्ट आएगा, ठीक है। जिस प्रकार कॉलेज का संबंध विद्यार्थी से है, कॉलेज में कौन करता है? विद्यार्थी। तुमने ऐसा बोला सर भाई मावसी का मुर्गा भी शिक्षक देते मैंने, अरे तो भी विद्यार्थी है, क्या है? वो भी विद्यार्थी है, ठीक है। उसी प्रकार अस्पताल का संबंध किससे होगा? रोगी से। किससे होगा? रोगी से होगा, ठीक है। इस देखो 44 नंबर का, जिस तरह फूल का संबंध पंखुड़ी से होता है, फूल का संबंध किससे होता है? पंखुड़ी से होता है। उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे होगा? किससे होगा? पुस्तक। देखो जो फूल जब बनता है, फूल की जो एक पत्ती रहती है उसको हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पंखुड़ी बोलते हैं। उसी प्रकार पुस्तक है, पुस्तक के एक कागज को हम लोग क्या बोलते हैं? पुस्तक।
पृष्ठ क्रमांक 1, पृष्ठ क्रमांक 2 ऐसा बोलते हैं ना, तो पृष्ठ का मतलब होता है पेज, क्या होता है पेज। क्लियर हुआ? ठीक है। जिस तरह कोंकणी का संबंध गोवा से है, इसे कोंकणी का संबंध गोवा से, कोंकणी क्या है लैंग्वेज है, उसी प्रकार डोंगरी जो लैंग्वेज है बेटा ये कहाँ पे बोली जाती है पता है? जम्मू और कश्मीर में डोंगरी लैंग्वेज बोली जाती है। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में डोंगरी लैंग्वेज बोली जाती है। जिस प्रकार रुपए का संबंध भारत से है, भारत में क्या चलते हैं? हमें पैसा चाहिए कि नहीं, मनी, अपना सपना, मनी मनी। भारत में हर लोगों का सपना क्या होता है? मनी होता है। ठीक है। इसी प्रकार येन का संबंध किससे है? जापान में, जापान की जो करेंसी है वो क्या है? ठीक है। जैसे भूमि से संबंधित वैसे नौसेना। अब यहाँ पे दो दो ब्लैंक भरने, देखो भूमि से संबंधित क्या होता है? यहाँ पे सेना, देखो जैसे संबंधित वैसे नौसेना, देखो नौसेना का मतलब क्या होता है? समुद्री सेना, नेवी, नेवी क्या होता है? नेवी, नेवी को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो नौसेना किससे संबंधित, करो यहाँ पे सवाल समझो, भूमि से संबंधित कौन होगा? नौसेना। भूमि से संबंधित क्या होता है? हाँ नौसेना भूमि में चलती, जिसको हम लोग आर्मी बोलते हैं, इंडियन आर्मी। ठीक है। नौसेना किसमें चलती है? समुद्र में चलती है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी। नौसेना जैसे भूमि से संबंधित है वैसे नौसेना समुद्र से संबंधित है। वेरी गुड। 48 नंबर का देखो, जिस प्रकार एटम का संबंध मॉलिक्यूल से है, उसी प्रकार सेल का संबंध किससे होगा? बैटरी से। किसे? न्यूक्लियस से। कर रहे साइंस की बात चालू है, वो सेल वाला नहीं है, बैटरी वाला सेल। यहाँ पे ना साइंस की बात चालू है, जो एटम का संबंध होता है मॉलिक्यूल से, उसी प्रकार सेल का संबंध किससे आएगा? न्यूक्लियस से आएगा। जिस प्रकार साबुन का संबंध धोने से होता है, ठीक है, साबुन से धोया जाता है, तो झाड़ू से क्या किया जाता है? बुहारना होता है। ठीक है। साबुन से धोते हैं और झाड़ू से बुहारते हैं, सफाई करना, मतलब जो झाड़ू मारना बोलते हैं ना, वो क्या होता है? बुहारना होता है। हाँ झाड़ू से बुहारना, मतलब जो झाड़ू मारना बोलते हैं ना, झाड़ू मारो, वो झाड़ू मारना नहीं, बुहारना होता है, कहते हैं बुहारना, साफ करना होता है बेटा। ठीक है। 49 नंबर है देखो, जिस प्रकार शहर का संबंध गांव से है, ठीक है, शहर का संबंध गांव से, उसी प्रकार शहरी का संबंध किससे होगा? ग्रामीण से होगा। किससे होगा? ग्रामीण। शहर गांव, शहरी ग्रामीण। क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद यह है, जिस प्रकार मजदूर का संबंध मजदूरी से होता है, कात्या ही मजदूर का हाथ है, कात्या किसका हाथ है? मजदूर का है। ठीक है। हाथ कितने किलो का है? 2.5 किलो का हाथ है। तो इसी प्रकार उद्यमी का संबंध किससे होगा? किससे होगा? अब उद्यमी मतलब क्या होता है? उद्यमी का मतलब होता है व्यापारी, व्यापारी इंग्लिश में होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा, और जो मजदूर होगा उसको मजदूरी मिलती है, जिसको दिहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहाड़ी। अगर रोजनदारी मानते, क्या मानते हैं? रोजनदारी। तो मजदूर अस्तो रोजनदारी वर्ती काम करते उसको। ठीक है। इसके बाद 9 नंबर, जिस प्रकार शहरी विज्ञान का संबंध है प्राणी शास्त्र से है, शरीर, सॉरी शरीर विज्ञान का संबंध किससे है? प्राणी शास्त्र। उसी प्रकार सैद्धांतिकी मेटाफिजिक्स का संबंध किससे होगा? किससे होगा? सैद्धांतिकी किससे होगा? सांख्यिकी, भौतिकी विज्ञान, गणित एंड दर्शन शास्त्र। फिलोसॉफी होगा क्या? क्या होगा? फिलोसॉफी होगा क्या? होगा बेटा फिलोसॉफी होगा। दर्शन शास्त्र। देखो शरीर विज्ञान का संबंध प्राणी शास्त्र से है, ठीक है, उसी प्रकार सैद्धांतिकी, सैद्धांतिक मतलब क्या होता है? प्रूव करना, सिद्ध करना। तो सिद्ध करने के बाद हमको कुछ तो दिखाई देता है, ठीक है, तो ये क्या होती है? फिलोसफी होती है। क्या होती है? फिलोसफी, मतलब दर्शन शास्त्र से सैद्धांतिकी का संबंध होता है। चरण का संबंध किससे है? हाथ से। चरण का संबंध किससे दिया है? हाथ से दिया है। तो पैर का संबंध किससे होगा? किससे होगा? भुजा से।
चरण का संबंध हाथ से है, चरण बोले तो क्या होता है पैर होता है, उसका संबंध हाथ से बना दिया पैर हाथ, ये सवाल हो चुका है शायद पहले, ठीक है पहले सवाल होगा, ठीक है तो पैर का संबंध किससे होगा भुजा से होगा, किससे होगा भुजा वाले हाथ ही होता है, भुजा वाले हाथ ही होता है, सीधे से बात है ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब देखेंगे, देखो याद है अंदर जो चरण का दिया ना, चरण का समानार्थी शब्द पैर होता है और हाथ का संबंध क्या होगा भुजा, समानार्थी शब्द दिया यहाँ पे। चाय का, चाय का संबंध जैसे पत्तियों से होता है तो कॉफी का संबंध किससे होता है, हाँ इसका मतलब चाय किससे बनती है पत्तियों से, कॉफी किससे बनती है बीजों से बनती है, समझ आया ठीक है। पचपन नंबर, हंसना जिस प्रकार खुशी संबंधित है, अगर खुश हुए तो अपन हंसते हैं ठीक है, तो रोना किस प्रकार संबंधित होता है दुख से, किसे दुखी होंगे तब आप रोते हैं ना, नहीं तो पता चला बच्चे आगे दुखी हो गए, खुशी के आंसू वो बात अलग हो गई ठीक है, मतलब लकड़ी से ही बड़े होते हैं मारे तो कैसे लोग होते हैं, देखो ये बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पर देखो जैसे जूते संबंधित है चमड़े से, जूते किसके होते हैं चमड़े के, अभी तो चमड़े के मिलते हैं बहुत महंगे हो गए, महंगाई में कोई चमड़े के जूते लेता नहीं है, 50 रुपए के मस्त बरसाती वाले लेके आते प्लास्टिक वाले, वैसे मेज किससे संबंधित होती है, जूते चमड़े से बनते हैं और मेज लकड़ी से बनते हैं, कुर्सी से पलंग से फर्नीचर से लकड़ी से, टेबल हाथ धो लगा रहा है जाता वैसे आपने गणपति भगवान बस में आए आने उद्या आइटम जान मारते हाँ भाई पता सांसू का पूछा वर्ष एक वर्ष का मंत्र से आ नौकर का सुनाए थे पूछा वर्ष से तीन ना गणपति मारे मैं तो कहते मैं नवरात्रि में बस होता है मैंने नौकर या मैंने देख रहे ना, मतलब गणपति बप्पा का इतने काम धंधे है कि तुम बुलाओ और वो लौकर आ जाए, लेकिन देखो चिड़िया संबंधित किससे, मतलब चिड़िया कहाँ रहती है वैसे मनुष्य कहाँ रहता है इसमें घर से, देखो मनुष्य घर में रहता है भवन में कार्यालय विद्यालय में ठीक है, तो मनुष्य किसी का देखो भवन और घर तो एक ही जैसा होता है लगभग, भवन और घर में डिफरेंस पता है क्या, इसका आंसर क्या होगा पता है, इसका एग्जैक्ट आंसर कार में घर में रहता है ठीक है, भवन भवन क्या होता है भवन एक प्रकार में घर में वो पड़ा होता है बस ठीक है, और भवन कई जगह पे रहता है, देखो हॉल को भी भवन बोलते हैं, हॉल को क्या बोलते हैं भवन बोलते हैं, तो जो घर पे एग्जैक्टली मनुष्य के रहने की जगह है ठीक है, यहाँ पे क्या देगा घर, जैसे पैदल चलना संबंधित है पैरों से, पैरों से पैदल चलते हैं, वैसे उड़ना संबंधित किसे किसे पंखों से उड़ते, किससे उड़ते पंखों से, इसका आंसर आएगा पंखों से, तो बोले उड़ना संबंधित आकाश में, अरे आकाश में उड़ते हो लेकिन उड़ते किससे हो पंखों से, बोले हम तो हवाई जहाज से उड़ते बोले किससे उड़ते हवाई जहाज से, तो इसका आंसर क्या जाएगा बोलो पंखों से, किससे पंखों से आएगा ठीक है। इसके बाद जो होता है जिस प्रकार बैग का संबंध किससे होता है सामान से, मतलब बैग में क्या रखते हैं उसी प्रकार से शिप में क्या रखा जाता है, चल गए कार्गो 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 सॉरी सॉरी नहीं उसका 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 रुको 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 जिस प्रकार बैग का संबंध सामान से है, एक सही मतलब है यार, जिस प्रकार बैग का संबंध सामान से है, सामान बैग में रखते हैं उसी प्रकार तो शिप में मतलब स्टॉक रखते क्या रखते हैं स्टॉक, कार्गो मतलब क्या होता है जहाज होता है जो माल वाहक होता है, क्या होता है फैक्ट्री होता है देखो माल वाहक, उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट का ट्रक आता है, इसके बाद माल वाहक गाड़ी भी होती है, उसी तरीके से जो स्टॉक रहता है वो रखा जाता है किसमें शिप में, क्लियर हुआ ठीक है। जिस प्रकार मोटे का संबंध पतले से, विरुद्धार्थी दिया है मोटा पतला गोरा काला, मैं तो गोरा और बाद में तुम बोल दोगे वो ओम, गोरा का विरुद्ध ओम ठीक है। उसी प्रकार निष्क्रिय का संबंध किससे है, निष्क्रिय का संबंध किससे है
देखो निष्क्रिय मतलब मरा हुआ, मरा शांत, जो कुछ नहीं करता है, शांत है, तो उसका क्या होगा एक्टिविटी क्रियाकलाप, मतलब या तो शांत है तो दूसरा करेगा, जैसे वृद्धार्थी दिया है मोटे का पत्ता है तो निष्क्रिय का क्या हाँ क्रियाकलाप एक्टिविटी। जिस प्रकार सत्यजीत रे का संबंध फिल्म से है उसी प्रकार पिकासो का संबंध किससे है चित्रकार पिकासो। हाँ पिकासो, पिकासो एप्लीकेशन भी आपने देखा होगा, पिकासो एप्लीकेशन देखा होगा। हाँ तो इसमें क्या करते हैं एक्चुअली डायरेक्टली क्या होता है आपकी जो फोटो वगैरह होता है उसको एडिट किया जाता है, मतलब वो चित्रकारी से संबंधित है, किससे चित्रकारी से, सत्यजीत रे संबंधित है फिल्म से, उसी प्रकार जो पिकासो संबंधित है वो चित्रकारी से संबंधित है। जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध रोग पहचान में होता है, डॉक्टर क्या करता है रोग को पहचानता है, डायग्नोसिस करता है, ठीक है, इसके बाद बोला है उसी प्रकार जज का संबंध क्या होता है इससे होता है करता है, इससे करता है फैसला लेता है, समझता है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और उसके बेस पे फैसला सुनाता है, ठीक है। जिस प्रकार धान का संबंध खेत से है, धान कहाँ पे होती है होती है, उसी प्रकार स्टील का संबंध किससे होता है, किससे होता है फैक्ट्री फैक्ट्री नहीं भी रखना होता है। यहाँ पे क्या होता है आपको क्या लगता है डायरेक्टली आप खदान खोदोगे तो स्टील निकलते रहते उसके ऊपर क्रिया की जाती है, क्या की जाती है क्रिया की जाती है, तो क्रिया करने के बाद जो प्रोडक्शन होता है उसमें स्टील अलग निकलता है, काम अलग निकलेगा, निकल अलग निकलेगा, काम से अलग निकलेगा, अलग अलग किया जाता है, तो यहाँ पे फैक्ट्री में काम होता है, कहाँ पे फैक्ट्री में काम होता है, नहीं तो पता चला धान खेतों में निकलता है, नहीं तो तुम बोलोगे सर बोले हमारे घर तो दुकान में भी निकलता है बोले है कि नहीं दुकान में भी मिलता है बोले हो सकता है मिलता है। इधर देखो जिस प्रकार गुलदस्ते का संबंध किससे है, गुलदस्ता किसका बनता है, उसी प्रकार वाक्य का संबंध है, वाक्य किससे बनता है शब्दों से बनता है। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखो सबसे पहले वर्ण आते, देखो सबसे पहले स्वर आता है, क्या आता है स्वर, इसके बाद व्यंजन, जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं तब जाके आपका बनता है वर्ण, क्या बनता है मतलब अक्षर बनता है, क्या बनता है अक्षर, जब दो या दो से ज्यादा अधिक अक्षर एक साथ आते तब बनता है आपका शब्द, ठीक है, जब शब्दों का मेल जोड़ किया जाता है शब्दों की कट्टे लाया जाता है आपका बनता है वाक्य, क्या बनता है वाक्य। तो इस तरीके से शब्दों का संबंध किससे होगा वाक्य से होगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा शब्द। बैंक मुद्रा से जिस तरह संबंधित है, जैसे परिवहन का संबंध किससे होगा, मुद्रा एक प्रकार की चलन है, क्या है एक प्रकार का चलन है व्यवहार में जो उपयोग किया जाता है, बैंक में चलन क्या होती है मुद्रा होती है, आप जाते हो वहां पे पैसे देते हो पैसे निकालते हो बराबर, कहने बैंक में क्या डिपॉजिट करते हो दो गोनी गेहूं, बैंक में डिपॉजिट करते हो क्या पैसे डिपॉजिट करते हो, नहीं तो मंजिल सर मैं गेला होता है दोन डजन केड़े जमा करून आला म्हणते तर चालत नाही ना, बैंक में क्या जमा की जाएगी मुद्रा। उसी प्रकार परिवहन, परिवहन में देखो बेटा परिवहन का मतलब है ट्रांसपोर्ट, क्या होता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किसका दिया जाता है माल का दिया जाता है, ठीक है ना, माल पियेंगे वाह वाह माल पियेंगे सब लोग माल पियेंगे ऊर्जा के दिन। देखो जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से होती है, देखो वृत्त की क्या होती है परिधि, उसी प्रकार वर्ग का क्या होता है परिमिति, देखो बेटा परिमिति और देखो वृत्त आप सबको पता कैसा रहता है ये गोल रहता है, वर्ग कैसा रहता है ये रहता है, परिधि मतलब होता है ये चारों तरफ की लंबाई, वर्ग की चारों तरफ की लंबाई को हम लोग बोलते हैं परिमिति, क्या बोलते हैं परिमिति पेरीमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं पेरीमीटर। जिस प्रकार चेहरे यानी कि थोबड़ा का संबंध अभिव्यक्ति से है, एक्सप्रेशन थोबड़े से हम एक्सप्रेशन करते हैं ना, बहुत झलका समझना का एक्सप्रेशन के लिए करें, उसी प्रकार बोला हाथ का संबंध किससे होगा
किससे होगा? इशारा करना, हाथ मिलाना, हाथ हिलाना कार्य, क्या होगा बताए? क्या होगा? कार्य से होगा, क्या होगा? कार्य। गोबरे से इशारे करते हैं, हाथों से क्या करते हैं? बोले हाथों का काम खराब करते, बोले हाथों से काम खराब करने वाले बात में, लेकिन हाथों से क्या करेंगे? कार्य करेंगे भाई। जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से होता है, फैक्ट्री में क्या बन रहा है? उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। उसी प्रकार स्पर्श का संबंध किससे होता है? किसे? यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है, शिक्षा का प्रोडक्शन होता है, समझ के चलो। 68 नंबर है ना। जिस प्रकार जीव का संबंध सुगंध से है, देखो फूल से क्या आती है? खुशबू आती है। फूल से क्या आती है? खुशबू आती है। उसी प्रकार बोल नहीं तो तुम बोलोगे इस तरह। देखो फूल का संबंध किसमें? खुशबू से, सुगंध से, ठीक है। उसी प्रकार ओवन, ओवन क्या होता है जरा? ओवन मतलब होता है अपने घर की इलेक्ट्रिक बत्ती, जो डब्बा रहता है, तिजोरी, गरम तिजोरी, क्या तिजोरी में भी कोमड़ी काटली कुछ कर बाहर निकलते हैं, मसाला लाला भी काटा भी होता है। इसका क्या बोला? या मुलिन भी कुत्ते फूल जाते हैं हमारे, तो यहाँ पे ओवन होता है, बेटा ओवन से गर्मी निकलती है, गर्मी, ठीक है, तो उसमें ताप आता है, ताप, ठीक है। इसका पहले और चो इसका आंसर दिए, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो आंसर दे दिया है। आगे स्टार्ट करिए, पास करो इसको, चलो।